भारत में आने वाली सभी नौकरियों की जानकारी और उनकी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए आप गवर्नमेंट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जानकारी मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज है 30 सितंबर। तो 30 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @GovernmentNaukri लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ से आपको इसके PDF मिल जाएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल जो हमने 29 सितंबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिए गए थे। सबसे पहले हम वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के यानी कि 30 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जो कि वायु है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। और दूसरा टेस्ट था आपका कि किसने 58th राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में महिला जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। तो उनका नाम है शर्मिला कुमारी, जिन्होंने 58th राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में महिला जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर काफी स्टूडेंट ने सही दिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 30 सितंबर के करंट अफेयर्स, और आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर है आपका कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का जो महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो सशस्त्र सीमा बल के जो नए DG नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है SS देसवाल। और आपको पता होना चाहिए कि SS देसवाल से पहले जो SSB के DG थे उनका नाम था रजनीकांत मिश्रा। और जैसा कि आप लोगों को कल करंट अफेयर पढ़ाया गया था और साथ में आपको बताया भी क्या था कि जो रजनीकांत मिश्रा हैं इन्हें BSF के प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। तो रजनीकांत मिश्रा की जो जगह थी वो खाली हो गई थी और इसलिए SS देसवाल को SSB का DG नियुक्त कर दिया गया है। और देखिए, जो SS देसवाल हैं ये 1984 बैच के हरियाणा कैंडर के IPS अधिकारी रह चुके हैं। और रजनीकांत मिश्रा के बारे में आपको बताया गया था ये 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैंडर के IPS अधिकारी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि रजनीकांत मिश्रा से पहले जो BSF के प्रमुख थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था KK शर्मा। इससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर भी पढ़ाया गया है, होप आपको वो याद होगा। और अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको SSB और BSF के बारे में मालूम होनी चाहिए। तो SSB, इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही लगी, सशस्त्र सीमा बल। और SSB की जो स्थापना है वो 1963 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद देखिए BSF की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली में ही है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और जो आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं SS देसवाल। अगला करंट अफेयर है कि चीन में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे। तो चीन में जो भारत के अगले राजदूत होंगे उनका नाम है विक्रम मिश्री। और विक्रम मिश्री से पहले जो चीन में भारत के राजदूत थे उनका नाम था गौतम बंबा वाले। तो गौतम बंबा वाले की जगह लेंगे विक्रम मिश्री। और विक्रम मिश्री के बारे में आपको पता होना चाहिए तो ये 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस मिनिस्टर हैं ये। और जो विक्रम मिश्री हैं ये प्रेजेंट में म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। और इन दोनों ऑप्शंस के बारे में आपको पता ही लगे। उसके बाद देखिए जो तीसरा ऑप्शन लिखा गया ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये है BS मुबारक। आपको करंट अफेयर पढ़ाया गया था जिसमें आपको बताया गया था कि जो BS मुबारक है ये ग्वाटेमाला गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। और अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें चीन के बारे में जाननी होंगी क्योंकि विक्रम मिश्री को चीन में भारत के एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है विक्रम मिश्री। और देखिए यहाँ पर है चाइना, ये जो बड़ा वाला एरिया है भारत के ऊपर ये है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। अगला करंट अफेयर है आज का कि RBI ने किस बैंक को नई शाखाएं खोलने से रोका है। तो RBI ने बंधन बैंक को उनकी नई ब्रांचेस खोलने से रोक दिया है। और देखिए RBI ने बंधन बैंक पर ये रोक क्यों लगाया है ये भी आपको पता होना चाहिए आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि जो बंधन बैंक है ये लाइसेंस लेने के लिए जो जो शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं वो इन्होंने पूरी नहीं की हैं। और जो RBI ने जो नए रूल लगाए हैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर वो इन्होंने फॉलो नहीं किए हैं, इसलिए
आरबीआई ने बंधन बैंक को उनकी नई ब्रांचेस खोलने से रोक दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको बंधन बैंक की ब्रांचेस पता होना चाहिए। तो बंधन बैंक की लगभग 937 ब्रांचेस हैं। और इसी एक साथ आपको पता होना चाहिए कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने जो बंधन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं, जिनका नाम है चंद्रशेखर घोष, उनकी इनकम को भी कम करने का आदेश दिया है। और साथ ही में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए और बंधन बैंक के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है वो 1935 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट आपको गवर्नर पता होना चाहिए। तो इसके प्रेजेंट में गवर्नर है उर्जित पटेल। और साथ ही में आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ओसबोर्न स्मिथ। उसके बाद देखिए बंधन बैंक के बारे में, तो बंधन बैंक की जो स्थापना है वो 2014 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। और बंधन बैंक के जो चेयरमैन है उनका नाम है HR खान। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस करंट अफेयर के बारे में पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आज का, UNICEF ने किसे युवा व्यक्तियों का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो उनका नाम है रवि वेंकटेशन। रवि वेंकटेशन को UNICEF ने युवा व्यक्तियों का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। और रवि वेंकटेशन को UNICEF ने युवा व्यक्तियों का विशेष प्रतिनिधि इसलिए नियुक्त किया गया है क्योंकि जो युवाओं से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है वो अब से रवि वेंकटेशन बनाएंगे। और अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें रवि वेंकटेशन के बारे में पता होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है रवि वेंकटेशन। और रवि वेंकटेशन 2015 से लेकर 2018 तक बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व अध्यक्ष बनने से पहले ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के भी अध्यक्ष थे। इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। उसके बाद देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें UNICEF के बारे में। इसकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और UNICEF का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, US के अंदर न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसके जो प्रेसिडेंट उनका नाम है तैर हत्रम। और UNICEF के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका नाम है हेनरीता ओस्मान फोर। अगला क्वेश्चन है आज का, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि पूरी दुनिया में जो हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट के जो रोगी हैं, उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। और इस दिन को मनाए जाने की जो शुरुआत है वो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा की गई थी और इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। 29 सितंबर को तो आपको पता ही लग गया। उसके बाद देखिए जो पहला आपका ऑप्शन लिखा गया है 28 सितंबर, इसके बारे में भी आपको पता चाहिए। तो 28 सितंबर को हर साल वर्ल्ड रैबीज डे मनाया जाता है, ये कल आपको करंट अफेयर पढ़ाया गया था। उसके बाद देखिए 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। और उसके बाद 21 सितंबर, उसके बाद ऑप्शन लिखा है फोर्थ, तो 21 सितंबर को हर साल विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। तो इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला मकई महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो भारत का जो पहला मकई महोत्सव है वो मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है छिंदवाड़ा, वहां पर आयोजित किया जा रहा है पहला मकई महोत्सव। और साथ ही में आपको पता होना चाहिए कि छिंदवाड़ा के अंदर ही क्यों आयोजित किया जा रहा है ये महोत्सव, क्योंकि छिंदवाड़ा है यहाँ पर सबसे अधिक मकई उत्पादन होता है। और अगर आपके एग्जाम्स में पूछा जाए कि सबसे अधिक जो मकई उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश है। और अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ इम्पोर्टेंट बातें मध्य प्रदेश के बारे में नोट करनी होगी, क्योंकि इस महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा में हो रहा है। तो देखिए ये जो मार्क्ड एरिया है यहाँ पर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के जो प्रेजेंट में गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 29 और राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 230। आज का अगला क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में 12 हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में जो हिमालय के आसपास जो 12 जिले हैं हिमालय से लगते हुए, उनके मुख्यमंत्रियों का एक
सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि वो सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो उस सम्मेलन का आयोजन शिमला में किया जाएगा, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, वहां पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और आपको इस बैठक का थीम भी पता होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इस बैठक का थीम है कि कृषि के माध्यम से हिमालयी लोगों की अगली पीढ़ी का कल्याण करना, यानी कि जो हिमालयी राज्य हैं वहां पर कृषि को बढ़ावा देना। और ये जो बैठक आयोजित की जाएगी शिमला में, ये 5 अक्टूबर को की जाएगी, 5 अक्टूबर 2018 को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 12 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो 12 हिमालयी राज्य हैं उनमें सबसे पहला है आपका जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद चौथा है सिक्किम और पांचवा है अरुणाचल प्रदेश और छठा राज्य है आसाम, उसके बाद सातवां राज्य है मेघालय, उसके बाद आठवां राज्य है त्रिपुरा, नौवां राज्य है मिजोरम और दसवां राज्य है मणिपुर और ग्यारहवां राज्य है नागालैंड, उसके बाद लास्ट आपका जो 12वां राज्य है वो है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो इन 12 राज्यों के चीफ मिनिस्टर की मीटिंग बिठाई जाएगी 5 अक्टूबर को और इन 12 राज्यों को आपको कैपिटल उनका नाम याद रखना होगा। तो देखिए जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आप लोग को पता ही लग गई शिमला, उसके बाद उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और आसाम की कैपिटल है दिसपुर, उसके बाद मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और उसके बाद मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, उसके बाद देखिए मणिपुर की कैपिटल है आपकी इम्फाल, उसके बाद जो 11वां राज्य है नागालैंड इसकी कैपिटल है कोहिमा, उसके बाद लास्ट वेस्ट बंगाल की कैपिटल आप लोगों को पता ही होगी कोलकाता। तो जम्मू कश्मीर के जो प्रेजेंट में गवर्नर है उनका नाम है सत्यपाल मलिक और हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है जयराम ठाकुर, उसके बाद उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसके बाद सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं पवन कुमार चामलिंग, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के जो प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं पीमा खांडू और उसके बाद आसाम के जो प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है सर्बानंदा सोनोवाल, उसके बाद नागालैंड के जो प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है नेफ्यू राव, साथ साथ में नोट करते रहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके मणिपुर के जो प्रेजेंट में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह और मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है लाल थनवला और उसके बाद वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है ममता बनर्जी और मेघालय के जो प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है कॉनराड संगमा और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर का नाम है बिप्लव कुमार देव। तो ये इन 12 राज्यों के कैपिटल आपको और चीफ मिनिस्टर के नाम पता होना चाहिए क्योंकि चीफ मिनिस्टर की बैठक बिठाई जा रही है इसलिए आपको ये 12 नाम बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस करंट अफेयर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय के सहयोग से किसने रेल हेरिटेज डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो रेल मंत्रालय की मदद से जो रेल हेरिटेज डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट है वो गूगल ने शुरू किया है और इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो हमारे जो प्रेजेंट में रेल मंत्री हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल, उन्होंने की है और ये प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि रेल हेरिटेज डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट ये क्यों शुरू किया गया है। तो ये इसलिए शुरू किया गया है ताकि जो हमारी भारतीय रेल विरासत है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके, जो विदेश से लोग आते हैं भारत में उनको भी भारतीय रेल के बारे में जागरूक किया जा सके, इसलिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है रेल हेरिटेज डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा कि भारत के अंदर अलग अलग स्थानों पर 22 डिजिटल स्क्रीन्स लगाई जाएंगी जिसके जरिए लोगों को भारतीय रेल के बारे में जागरूक किया जाएगा। और इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट आपको रेल मंत्री का नाम याद रखना है पीयूष गोयल। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें गूगल के बारे में जानेंगे। गूगल की जो स्थापना है वो 1998 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, यूएस के अंदर कैलिफोर्निया में। और गूगल के जो CFO है यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर उनका नाम है रुथ पोरत और जो गूगल के प्रेजेंट में CEO है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनका नाम है सुंदर पिचाई, इनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला करंट अफेयर है आज का कि असम में किस ईंधन का उपयोग अब खाना पकाने में भी किया जाएगा। तो असम के अंदर अब LPG की जगह मेथनॉल ईंधन का उपयोग किया जाएगा खाना पकाने के लिए और मेथनॉल ईंधन का उपयोग अब खाना बनाने में किया जाएगा। इसके लिए जो असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है यानी कि APL इन्होंने 5 अक्टूबर 2018 को मेथनॉल के उपयोग के लिए एक पायलट परियोजना भी शुरू की है। आपको पता होना चाहिए ये पायलट परियोजना कब शुरू की गई है, तो 5 अक्टूबर को ये नोट करना है और किसके द्वारा शुरू की गई है, तो
APL के द्वारा शुरू की गई, यानी कि असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें असम के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर जो मार्ग एरिया है यहाँ पर है असम, असम की कैपिटल है दिसपुर और असम के चीफ मिनिस्टर का नाम है सर्बानंदा सोनोवाल और असम के जो प्रेजेंट में गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी। और असम के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 14 और राज्यसभा की सीटें हैं 7 और विधानसभा की सीटें 126। नेक्स्ट करंट अफेयर है आज का, कचरा प्रबंधन पर जागरूकता फैलाने के लिए कौन मिशन गंगा अभियान का नेतृत्व करेंगी, तो उनका नाम है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो मिशन गंगा है उस अभियान का नेतृत्व करेंगी और ये जो अभियान है वो हरिद्वार के अंदर 5 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा और ये अभियान 30 अक्टूबर को समाप्त होगा पटना में। और आपको पता होना चाहिए कि मिशन गंगा ये अभियान क्यों शुरू किया गया है, ताकि जो गंगा में दिन ब दिन गंदगी बढ़ती जा रही है उसको कम करने के लिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है मिशन गंगा। और इस क्वेश्चन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बछेंद्री पाल के बारे में नोट करनी होगी, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको पता ही होगा कि जो बछेंद्री पाल है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है और ये प्रेजेंट में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की प्रमुख हैं बछेंद्री पाल। और बछेंद्री पाल के बारे में नोट करना होगा कि 1984 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 1986 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होनी चाहिए थी। अगला करंट अफेयर है कि AAI के कितने हवाई अड्डों को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो AAI के 2 हवाई अड्डों को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन 2 हवाई अड्डों के नाम पता होने चाहिए आपको। तो जो सबसे पहला हवाई अड्डा है उसका नाम है देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डा जो कि इंदौर में है और जो दूसरा हवाई अड्डा है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अहमदाबाद में है। इन 2 हवाई अड्डों को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया जाएगा राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड क्योंकि इन्होंने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगदान दिया है। और यहाँ पर नाम आया है पर्यटन का, तो आपको इस क्वेश्चन में हमारे पर्यटन मंत्री का नाम याद रखना है, तो उनका नाम है KJ अल्फोंस। और आपको पता होना चाहिए कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है और जब 2018 में ये दिन मनाया गया था इसकी जो मेजबानी है वो हंगरी ने की थी और जब 2019 में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा तो हमारा भारत इसकी मेजबानी करेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें AAI के बारे में नोट कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, भारत के अंदर न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसके जो चेयरमैन है AAI के उनका नाम है डॉक्टर गुरु प्रसाद महापत्रा। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस करंट अफेयर के बारे में पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे 30 सितंबर के करंट अफेयर्स और जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि लास्ट में 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए होंगे, तो सबसे पहले टेस्ट है आपका कि किसकी अध्यक्षता में सरकार ने लोकपाल खोज समिति की स्थापना की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको अपना आंसर चूज करना है। और दूसरा टेस्ट है आपका कि फोर्ब्स इंडिया की टाइकून ऑफ टुमारो सूची में शामिल होने वाली इकलौती खिलाड़ी कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही में आपको फोर्ब्स के बारे में भी बताना होगा। इन 4 ऑप्शन में से आपका जो भी आंसर होगा उनके बारे में भी आपको बताना होगा डिटेल में। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।